Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITMs. बच्चों, electric resistance and Ohm's law के concept video पाने के लिए join button पर click करें या फिर इस number पर call करें. The current flowing through a conductor is 2 milliampere at 50 volt. ठीक है भाई? तो करंट जो है वो 2 मिली एम्पियर है एट वोल्टेज 50 वोल्ट एंड 3 मिली एम्पियर एट 60 वोल्ट. ठीक है भाई, अलग अलग है. आई वन वी वन ये भी कर सकते हो तुम, आई टू वी टू. ठीक है, इज द कंडक्टर ओमिक, फाइंड आउट द डायनामिक रेजिस्टेंस. देखो भाई, हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता था, आर इज इक्वल टू V बाई आई होना चाहिए. तो अगर सेम कंडक्टर है तो कंडक्टर की तो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, अगर मटेरियल ओमिक है तो उसका रेजिस्टेंस सेम आना चाहिए. तो V1 क्या है, 50 डिवाइडेड बाय 2 मिली एम्पियर है, 10 टू द पावर माइनस 3 कर लो, है ना. R1 कितना आ जाएगा, 50 इंटू 1000 बट्टा 2, 25. तो R1 आ गया कितना, 25,000 ओम. भाई बहुत ज्यादा आ रहा है. R2 भी इतना ही आ जाए तो बल्ले बल्ले. R2 आया 60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. इस बार R2 तो मुझे 20,000 आते हुए दिख रहा है. तो यानी कि इन दोनों बातों से हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं कि R1 इज नॉट इक्वल टू R2, यानी अलग अलग करंट पे अलग अलग वोल्टेज आ रहा है, अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग रेजिस्टेंस आ रहा है. तो इसका मतलब ये कैसा है, द कंडक्टर इज नॉन ओमिक बिकॉज V बाई आई इज नॉट कॉन्स्टेंट, है ना. द कंडक्टर इज नॉन ओमिक बिकॉज V बाई आई इज नॉट कॉन्स्टेंट. अब बात आ जाती है डायनेमिक रेजिस्टेंस की. यार जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है तो हम लोग R इज इक्वल टू V बाई आई लिख देते हैं. अब R कॉन्स्टेंट नहीं है लेकिन इतनी रेंज में डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होगा, स्लोप टाइप की बात हो रही है, डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा I. ठीक है ना, तो इस रेंज में जितनी, चलो मैं बना देता हूं डायग्राम, यानी कि ग्राफ. भाई वोल्टेज आपका कहां से कहां तक गया, 50 से 60 तक गया. करंट आपका कहां से कहां तक गया, 1 से 3 गया. तो भाई ठीक, हो सकता है कि ओवरऑल ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा टेढ़ा टाइप जा रहा हो, है ना. लेकिन इतने में जो ये वाला रीजन है, अभी बता देता हूं, हम इतने में इसका डायनामिक रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इतने. पूरा ग्राफ कैसा हो हमें नहीं पता, इतने में हम लोग स्लोप निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ये क्या है, ये वोल्टेज चेंज हो रहा है और ये करंट चेंज हो रहा है मिली एम्पियर में, वो वोल्ट में. ठीक है, तो वो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई हम लोग निकाल रहे हैं. ये आईआईटी जेई के लिए ऐसी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां डायनामिक रेजिस्टेंस आता ही रहता है, पूछते ही रहते हैं वो लोग. ठीक है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए. कई बार बहुत पुराने सवाल अब आने लगते हैं, नए में आने लगते हैं, आईआईटी मेंस में एडवांस्ड के सवाल आने लगते हैं, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना हमें. तो डेल्टा वी कुछ है नहीं भाई, वी टू माइनस वी वन, ग्राफ बनाने से फायदा बहुत हुआ, मतलब तुरंत वैल्यू हमें दिख जाएंगी. वी टू क्या है, 60 और वी वन क्या है, 50 और I2 क्या है, 3 और ये क्या है, 1, 2 है ना.
ध्यान रहे ना भाई, देखो 2 मिली एम्पियर पे 50 और 3 मिली एम्पियर पे 60, ठीक है। अच्छा, और ये काम हो रहा है मिली एम्पियर में और ये काम हो रहा है वोल्ट में, तो 60 में से 50 गया 10 और 3 में 2 गया 1, वोल्ट डिवाइडेड बाय मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में करेंगे तो 10^-3 एम्पियर आ जाएगा। अब एक तरीके से ये 10^1000 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 10^3, वैसे ये 10^4 हो जाएगा बट आपकी बुक यही रिपोर्ट कर रही है तो यही लिख लेते हैं, एग्जाम में आपको ये लिख के आना चाहिए 1 × 10^4 ओम, यही स्टैंडर्ड है। लेकिन ये आंसर है बुक का और ये आंसर है 2 IIT का, एक ही बात है।